हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉफ्टटेक स्कूल में। मेरा नाम है उमेश और मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक और नॉलेजफुल वीडियो। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्दी पहुँच सके। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, इंसर्ट टैब के हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैं और भी वीडियोज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बना चुका हूँ, तो जिन लोगों ने अब तक मेरी इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वो प्लीज़ जाके मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं अब हेडर की। हेडर होता क्या है हमारा? हेडर क्या होता है हमारा? टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब हर पेजेस के टॉप में अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी पिक्चर्स या कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो कि मुझे अपने हर पेजेस में चाहिए डॉक्यूमेंट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। हेडर इट मींस हेड, मतलब ऊपर के एरिया में जो भी हमें कंटेंट चाहिए उसके लिए हमारा यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे, अब आपने देखा होगा कंपनी का कोई भी लेटर हेड होता है, हम क्या करते हैं, लेटर हेड में क्या होता है, आपके ऊपर कंपनी का पूरी डिटेल्स दी रहती है। इसी तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट में भी अपनी कंपनी की पूरी डिटेल हेडर या फुटर में आप दे सकते हो। तो जैसे कि मैं, आप कैसे इंसर्ट आपको करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हेडर में आप जाओगे, जैसे हेडर में क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड क्या मिलेंगे, हेडर स्टाइल्स आपके पास मिलेंगे। तो जो भी आपको हेडर स्टाइल यहाँ से यूज़ करना है उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और आपको क्या करना है यहाँ से, अब जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेट पिक करनी है, कोई भी आप डेट पिक कर लीजिए। यहाँ से आप क्लिक करोगे और यहाँ जैसे मैंने क्या कर दिया, आज की डेट मैंने यहाँ पे लिख दी और टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से हेडर मेरा क्रिएट हो गया। अब आपने देखा जैसे मैंने हेडर इंसर्ट किया, आप देख रहे हो यहाँ पे हेडर की प्रॉपर्टी आ गई डिज़ाइन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हेडर का लेआउट अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको हेडर का लेआउट चेंज करना है तो आप यहाँ से हेडर का लेआउट भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये लेआउट चाहिए तो आप क्लिक कर दीजिए, उसी लेआउट में आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हेडर का लेआउट भी आप क्या करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद फुटर इंसर्ट करना है तो आप यहीं से भी कर सकते हो, और नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है उससे भी आप फुटर इंसर्ट करवा सकते हो। तो मैं जैसे कि यहाँ से आपको फुटर इंसर्ट कराना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप देख रहे हो यहाँ पर बॉटम में आ गया। अब टेक्स्ट टाइप मैंने दे दिया यहाँ पे एड्रेस दिल्ली, ये मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इस तरीके से फुटर एरिया में मैंने दे दिया। अब आपके क्या हो गया, हेडर एरिया भी आ गया, आपका फुटर एरिया भी आ गया। अब मैंने बोला ये हर पेजेस में आपका अप्लाई होगा, अब मैं ज़रा देखता हूँ कि हर पेजेस में किस तरीके से अप्लाई होगा। अब आपको डबल क्लिक करना है और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एंटर करता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी आपके पेजेस होंगे, जितने भी आप पेजेस इंसर्ट करते जाओगे उस पेजेस में आपका क्या आता जाएगा, हेडर एंड फुटर आपका आता जाएगा। अगर आपको हेडर फुटर में फिर से कोई एडिट करना है, कुछ वर्क करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसी एरिया में डबल क्लिक आपको करना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, हेडर एरिया एडिट हो जाएगा, फिर आप इसमें कोई भी एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे पेज नंबर। अब आपको क्या चाहिए, पेज नंबर इंसर्ट करना है हेडर एरिया में, तो आप यहाँ से पेज नंबर में चले जाइए। आप कहाँ पे आपको चाहिए, टॉप ऑफ द पेजेस चाहिए तो यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो किस फॉर्मेट में आपको टॉप ऑफ द पेजेस चाहिए। इसी तरह से बॉटम ऑफ द पेजेस में अगर चाहिए, आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, बॉटम ऑफ द पेजेस में भी आप इंसर्ट करवा सकते हो। यहाँ से जैसे मैं बॉटम ऑफ द पेजेस में इंसर्ट करवा लेता हूँ, हालांकि मेरा फुटर में पहले से ही इंसर्ट है पेज नंबर जैसे कि आप देख रहे हो, बट मुझे फिर भी इंसर्ट अगर ना हो तो आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो। इसी तरह से आपको किस पोजीशन में चाहिए आप वहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो, जैसे कि मेरा अभी मिडिल में है, कहाँ पर भी जिस पोजिशन में भी है वहाँ पर आप पेज नंबर इंसर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे डेट एंड टाइम। अगर आपको डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करवानी है तो आप डेट एंड टाइम, अब जैसे मुझे यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करवानी है, जैसे मैं डेट एंड टाइम पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कि आपको अलग अलग डेट और टाइम के फॉर्मेट्स दिए होंगे। जिस फॉर्मेट को भी आप सेलेक्ट करोगे और ओके करोगे, वही फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, ओके मैंने किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो गया, जो भी मैंने डेट फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया था वही फॉर्मेट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कुछ क्विक पार्ट्स दिए हुए हैं, क्विक पार्ट्स मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए, मैंने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी इंसर्ट करवाना आप लोगों को बता रखा है किसमें, ऑफिस बटन में। तो जिन लोगों ने मेरी ऑफिस बटन वाली वीडियो नहीं देखी हो, प्लीज़ जाके मेरी ऑफिस बटन वाली वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ से इस तरीके से अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी इंसर्ट करवा रखी है तो उसको आप यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो क्या, क्विक पार्ट्स। नेक्स्ट उसके बाद आता है पिक्चर्स। अगर आपको पिक्चर्स इंसर्ट करवाना हो तो आप यहाँ से पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पर पिक्चर में चले जाइए। अब आप जो भी पिक्चर सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मुझे ये पिक्चर्स चाहिए, इंसर्ट करोगे तो बट आपका पिक्चर ज़्यादा बड़ी आ गई, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अपने पिक्चर, जैसे कि आपका कोई कंपनी का लोगो है तो आप कंपनी का लोगो इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से पिक्चर में जाके क्या करवा सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो।
नेक्स्ट इसी तरह से क्लिप आर्ट भी इंसर्ट करवाना हो, क्लिप आर्ट भी आप क्या करवा सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट गो टू हेडर। अब गो टू हेडर हाईलाइट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे किस सेक्शन में हूँ, गो टू हेडर, हेडर सेक्शन में आपका हूँ। अगर आपको फुटर में जाना हो फुटर आपका हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप फुटर में चले जाओगे इसी तरह से आपका गो टू हेडर सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से प्रीवियस सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन आपका, तो मेरे सेक्शन कोई बने नहीं है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर आपके बने हुए हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेक्शन को प्रीवियस और नेक्स्ट भी करवा सकते हो। अब नेक्स्ट जैसे कि मैं अब क्या करवा देता हूँ, सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट करवा लेता हूँ अलग अलग सेक्शन। अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट पेज डिफरेंट चाहिए या फिर इवन और ऑड पेजेस के अकॉर्डिंग मुझे डिफरेंट चाहिए। जैसे मुझे फर्स्ट पेजेस डिफरेंट चाहिए, अब मैं फर्स्ट पेजेस में क्या कर लेता हूँ, कोई और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंसर्ट करवा लेता हूँ अपने, ये मैंने क्या कर दिया, हेडर फॉर्मेट इंसर्ट करवा लिया। और यहाँ पे सेकंड पेज में आप देख रहे हो वही है, फर्स्ट पेज में अलग है। अब मेरा क्या हो गया, दो सेक्शन बन गए, क्यों, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेज का अलग सेक्शन बन गया और सेकंड पेज का अलग सेक्शन बन गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में जाता हूँ, देख रहा हूँ ये मेरा नेक्स्ट सेक्शन है, प्रीवियस सेक्शन में जाता हूँ ये। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट और प्रीवियस सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको ऑड और इवन पेजेस के अकॉर्डिंग अपने हेडर और फुटर को डिफरेंट करना है तो आप यहाँ से डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब डॉक्यूमेंट टेक्स्ट यहाँ पे अभी मैंने कुछ प्लेन रखा है, अगर आपको शो करवाना है नहीं करवाना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका हेडर फ्रॉम टॉप। अब टॉप से जो आपका हेडर का एरिया वो कितना आपको चाहिए, कितना उसमें मार्जिन चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बॉटम से कितना मार्जिन चाहिए उस तरीके से आप बॉटम से, जैसे फुटर में हम देख लेते हैं यहाँ पे फुटर एरिया, अब यहाँ पे देखते हैं हम फुटर एरिया यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर रखा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे फुटर एरिया आपको कितना चाहिए, जैसे मैंने ये कर दिया, अब हम जाके देखते हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे फुटर एरिया आपका क्या हो गया, बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हो अपने फुटर एरिया और हेडर एरिया को। अब यहाँ पर क्लोज हेडर एंड फुटर आपको क्लोज़ करना है, या तो आप क्लोज़ पर क्लिक कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए आप पेज में जो भी टेक्स्ट एरिया वहाँ पर मैंने क्लोज़ किया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया, हेडर एंड फुटर। अब आप कोई भी पेजेस इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका हेडर एंड फुटर आ जाएगा, उसमें अपडेट हो जाएगा, आपको हर पेजेस पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा हेडर। अब नेक्स्ट ऑप्शन उसके बाद आता है यहाँ पे फुटर। अब आपको फुटर जैसे मैंने वहाँ से भी आपको बता दिया, यहाँ से भी आप इंसर्ट करवा सकते हो फुटर एरिया, जो भी आपको जैसा भी चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो फुटर एरिया को। बस आपको क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुटर एरिया इंसर्ट हो जाएगा। ये सेम फुटर की प्रॉपर्टी भी वही होगी जो मैंने हेडर की दी थी, तो आप यहाँ से उसकी भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है पेज नंबर। पेज नंबर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आपको पेज नंबर यहाँ पर यूज़ करना है, तो आप यहाँ से पेज नंबर भी यूज़ करवा सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन उसके बाद आता है यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स अगर यूज़ करना है, जैसे कि आप क्या करते हो न्यूज़पेपर में देखते हो कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो क्या होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स में अलग तरीके से हाईलाइटेड होता है, तो उसको आप क्या करवा सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स में सेलेक्ट करवा सकते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स में जाइए। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से, जैसे मुझे ये चाहिए पेज फोल्डेड वाला, तो मैं यहाँ पे आपका अपने डॉक्यूमेंट में क्या करवा सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा सकते हो। अब जैसे मैंने इंसर्ट किया, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टी आ गई। इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जिन लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। अब नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्विक पार्ट्स। अब क्विक पार्ट्स होता क्या है आपका, यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी अगर आपको इंसर्ट करवानी हो तो उसके लिए हमारा यूज़ किया जाता है। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को इंसर्ट करने के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑफिस बटन में आप जाइए और यहाँ से मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियोज़ में बता रखा है, आप प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रॉपर्टी करके आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो भी इंसर्ट करोगे वो आप यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो। अब इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्विक पार्ट्स में जाके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो भी आपको यहाँ पे चाहिए वो आप यहाँ पे इंसर्ट, जैसे ऑथर मुझे क्या सॉफ्टटेक स्कूल मेरा ऑलरेडी डला हुआ है तो सॉफ्टटेक स्कूल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी प्रॉपर्टी इंसर्ट करवा रखी होगी वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने पेजेज में इंसर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट क्या होता है, कुछ आपको वर्ड्स या फिर कुछ करेक्टर्स क्या चाहिए आपको, कुछ स्टाइलिश फॉर्मेट में अगर आपको इंसर्ट करवाने हैं तो उसके लिए हमारे जनरली यूज़ किया जाता है। तो वर्ड आर्ट में आप जाइए, देख रहे हो यहाँ पर कुछ एट्रैक्टिव लुक्स में मेरे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक
वर्ड मैंने टाइप किया, ओके किया, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ गया, उसी फॉर्मेट में आपका क्या आ गया, वर्ड आर्ट। इसी तरीके से टेक्स्ट को फिर से एडिट करना हो, एडिट टेक्स्ट में चले जाइए, आपको चेंज कर सकते हो आप टेक्स्ट को। नेक्स्ट उसके बाद स्पेसिंग कितनी चाहिए आपको, यहाँ से आप स्पेसिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए जो भी चाहिए। अब हाइट आपको क्या चाहिए, जैसे हाइट एडजस्ट करवानी है या वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, अलाइनमेंट कैसी चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ से आपको चेंज करना हो स्टाइल्स को, यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब सेव फिल आपको अलग चाहिए यहाँ से, तो आप सेव फिल यहाँ से चूज़ कर लीजिए, बट यहाँ पर मुझे कोई भी चूज़ नहीं करना है। अब सेव इसी तरह से आउटलाइन, ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, तो वही सेम आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको रखना हो रोटेट या 3D इफेक्ट जैसे मैंने बताया हुआ पहले, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पर आप देख रहे हो ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप होता क्या है आपका, जैसे कि ड्रॉप कैप करने के लिए मैं पहले यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ टाइप कर लिया। अब ड्रॉप कैप क्या होता है, आपने देखा होगा मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में क्या होता है, आपका जो जो भी आपका फर्स्ट पैराग्राफ उसका होता है, उसका फर्स्ट जो आपका लेटर होता है वो आपका 3 या 4 लाइंस में अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे एडजस्ट किया हुआ रहता है, जैसे 2 लाइंस में हो गया, 3 लाइंस में हो गया, तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉप कैप। वही चीज़ आपको यहाँ पे करवानी हो तो आप ड्रॉप कैप में जाइए। अब आपको क्या चाहिए, देख रहे हैं आप 3 लाइन के बेसिस पे, इन मार्जिन के बेसिस पे, जैसे आपने जनरली देखा होगा इस तरीके से कुछ होता है हमारे मैगजीन में न्यूज़ पेपर में, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी 3 लाइन के अकॉर्डिंग आप 4 लाइन, 5 लाइन, जितना भी लाइन आपको करवानी हो आप यहाँ से करवा सकते हो। ड्रॉप कैप में जाए, ड्रॉप कैप ऑप्शन में आपको जाना होगा, अब आपका कौन सा है, ड्रॉप वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको लाइन कितनी लाइंस में आपको चाहिए, 3 लाइंस मेरा अभी है, 4 मैंने 5 लाइंस कर लिया। अब डिस्टेंस कितनी चाहिए, आप डिस्टेंस भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आप कितना आ गया, 1 2 3 4 5 लाइंस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या, ड्रॉप कैप। अब नेक्स्ट आता है उसके बाद सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर भी मैंने आपको कैसे ऐड करते हैं वो ऑफिस बटन वाली वीडियोज़ में ऑलरेडी बता रखा है, तो यहाँ से मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। ऐड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर में आप चले जाइए, यहाँ पे ओके कर लीजिए। अब जैसे सिग्नेचर मैंने दे दिया, उमेश यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया यूट्यूबर, और यहाँ पे मैंने ईमेल दे दी, और यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिग्नेचर लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है डेट एंड टाइम, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी आपको यहाँ पे भी इंसर्ट करवाना हो तो आप डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। डेट एंड टाइम पे जाइए, फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना होगा, ओके कर दीजिए तो आपका डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अब आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट फॉर्मेट होते हैं, जैसे फोटोशॉप से लेना हो या फिर पेंट से लेना हो, तो उस तरीके से आप ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ड्रॉ करके यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे कि मुझे अब क्या चाहिए, फोटोशॉप यहाँ पे दिख रहा है, बिटमैप इमेज दिख रहा है, अलग अलग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यहाँ पे, जैसे मुझे बिटमैप इमेज में ही मैं कर लेता हूँ पेंट में, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे पेंट की प्रॉपर्टी ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये कुछ ड्रॉ किया और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, कलर इंसर्ट कर दिया। अब मैं जैसे इसे क्लोज करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया, आपका इंसर्ट हो गया आपका जो भी ऑब्जेक्ट था। इसी तरीके से आप अलग अलग जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है उनसे भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करवा सकते हो, डायरेक्टली इंसर्ट करवा सकते हो। अब आपको एडिट करना हो फिर से आपको डबल क्लिक करना होगा और आप एडिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका इक्वेशन। अब इक्वेशन किस लिए यूज़ किया जाता है, जनरली कोई भी इक्वेशन आप मैथमेटिकल से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें अगर आपको इक्वेशन का यूज़ करना है तो उसके लिए आपका यूज़ किया जाता है। जैसे आप इक्वेशन में जाओगे तो यहाँ पर कुछ प्रीडिफाइंड इक्वेशन आपके दिए हुए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा a² + b² + c² इस तरीके से कुछ फॉर्मेट चाहिए तो आप यहां से इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर दीजिए। अब मुझे अगर आपको यहां पे अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट करवाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इक्वेशन में जाइए और यहाँ पर क्या करना होगा, इंसर्ट नी इक्वेशन। जैसे ही आप यहाँ पर करते हो कुछ आपकी एक प्रॉपर्टी आएगी। अब जैसे मुझे क्या करना है, a + b² यहाँ पर यूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, अब फॉर्मेट आप देखिए किस तरीके से, अब मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मेट ये है, तो मुझे अब यहाँ से ये स्क्वायर वाला फॉर्मेट है तो इस पर आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। अब ये फर्स्ट बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में a + b, ब्रैकेट क्लोज किया। अब स्क्वायर वाला एरिया यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे स्क्वायर आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप इक्वेशन भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पर आपका इंसर्ट में सिंबल। अब आपको कोई भी सिंबल इंसर्ट करवाना हो, जैसे कि रुपीज़ का सिंबल इसमें है नहीं, जैसे कोई भी आपको सिंबल यहाँ पे चाहिए और भी सिंबल्स यहाँ पे हैं तो वो सिंबल आप इंसर्ट करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ये जैसे सिंबल्स आपके हैं
तो आपको अगर सिंबल्स यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, जैसे ये आर वाला सिंबल्स आपको कभी यूज़ करना हो या कोई भी सिंबल्स इनमें से, ये बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहते हो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा इंसर्ट टैब की लास्ट वीडियो, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से आप लोगों ने थोड़ा भी बहुत कुछ सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।